हाय, दिस इज प्रियंका चाहर चौधरी, आप सबकी प्यारी तेजो। माय डेट ऑफ बर्थ इज 12 अगस्त। ईयर नहीं बता रही मैं लड़कियों को अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए। स्कूलिंग फ्रॉम जयपुर केंद्रीय विद्यालय। फर्स्ट इनकम 2000 रुपए थी मेरी, मैंने एंकरिंग की थी दैनिक भास्कर के लिए। मेरी फर्स्ट इनकम वाज 2000 रुपीस। फेवरेट एक्टर, आई रियली लाइक रणवीर सिंह, आई लाइक आलिया भट्ट। लाइफ का फंडा बहुत ही सिंपल है, आप जो चीज़ कर रहे हो मन से करो और खुश रहो, फैमिली का ध्यान रखो। फॉर मी आई गेस फैमिली इज़ एवरीथिंग। अगेन मैं तेजो जी जैसे साउंड कर रही हूँ, पर एक्चुअली मैं ऐसी ही हूँ। मेरे लिए फैमिली इज़ एवरीथिंग। और अपनी लाइफ में खुश रहो बेसिकली, और प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लीज़ उनसे घबराओ मत। मुझे लगता है प्रॉब्लम्स आपको सिखा के जाते हैं कुछ ना कुछ चीज़, तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो एंड आई एम श्योर कि आप कुछ सीखेंगे उस प्रॉब्लम से। या वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों फैमिली हो जाएगी मेरी, वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है। सी, तो मैं फैमिली के लिए बस यही बता रही हूँ कि मेरे भाई बहन या मेरे मम्मी पापा, किसी पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आने से पहले वो प्रॉब्लम मुझ पर आ जाए, दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे सामने में मेरी फैमिली को किसी भी प्रॉब्लम में देखूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ सह सकती हूँ, इतनी स्ट्रांग मैं हूँ, तो मैं ही हैंडल कर लूँगा प्रॉब्लम। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, मेरा फर्स्ट ऑडिशन जो था वो था जर्मन मूवी के लिए। तो एक जर्मन मूवी मैंने की थी जयपुर में ही, तो जर्मन के कुछ लोग आए थे, टीम मेंबर्स थे वहाँ पर, जो कि एक इंडियन प्रिंसेस की तलाश कर रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने 5 राउंड्स लिए थे ऑडिशन के, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट होती गई, गर्ल्स होती गई, और वो जो कैरेक्टर था वो काफ़ी अच्छा था, प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, तो उसके लिए काफ़ी ऑडिशन्स हुए। और जब मैं जाती थी ऑडिशन के लिए, तो मेरा भाई मुझे लेकर जाता था, थोड़ी जगह दूर थी, आमेर फोर्ट में था, तो भाई हमेशा बोलता था, यार तू क्या कर रही है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो प्रिंसेस जैसी लगती हैं, उन्हें इंडियन प्रिंसेस चाहिए, तू क्या करने जा रही है। मैंने कहा चल ले यार, तो वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था और मैं सेलेक्ट हो गई थी उसमें। अगर प्रियंका एक्टर नहीं होती तो आई एम श्योर मैं भी आर्मी में जाती। हाँ, मेरे को आर्मी मैं अभी भी बहुत मिस करती हूँ कई बार, वहाँ कि जहाँ पे हम लोग क्वार्टर्स में रहते थे, वहाँ का एरिया, एनवायरनमेंट, काफ़ी कुछ मिस करती हूँ मैं आर्मी का। तो अगर मैं आज एक्टर नहीं होती तो मैं आई एम श्योर कि मैं आर्मी में ही जाती, क्योंकि मेरी बहनें भी आर्मी में, भाई भी आर्मी में, उनको देख के मुझे कई बार लगता है कितनी अच्छी लाइफ है, सॉर्टेड, बट आई एम रियली हैप्पी हियर। ऐसे तो कुछ है नहीं चेंज करने के लिए, बिल्कुल तो परफेक्ट हूँ, पर हंसती बहुत हूँ मैं। नहीं, हंसना तो अच्छी चीज़ है, मुझे कुछ नहीं बदलना। बोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, दैट्स इट। मैं ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगी कि उडारिया ने जो उडारियाँ ली है वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से ली है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उडारियों को, प्लीज़ यही प्यार अपना मेंटेन रखिएगा, हमें अभी और लंबी उडारियाँ लेनी है गाइस, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, उडारियाँ देखते रहिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिएगा।